खबर आ रही है उससे जरा हम आपको रूबरू करवाते हैं। एक बड़ी और अहम जानकारी जो पाली से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए बड़ी अपडेट इसे ममता राहुल गांधी की शिकायत की है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के मामले को लेकर के शिकायत की गई है। राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का बीजेपी ने आरोप लगाया। राजस्थान में मतदान पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखे थे चुनावी वादे। बीजेपी ने राहुल गांधी के पोस्ट को हटाने की अब मांग की है। तो बीजेपी ने बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ इसी में शिकायत की है। यह बताया गया है कि यह पोस्ट जो किया गया आचार संहिता का उल्लंघन है, इस वजह से इसे हटा दिया जाए। जानकारी यह है कि राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में जो वादे थे उनका जिक्र किया था। ममता बिल्कुल, और इसी के चलते उस पोस्ट को हटाने की बात और इलेक्शन कमीशन तक ये पूरा मामला बीजेपी ने पहुंचा दिया है। राहुल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। मतदान पर राहुल गांधी ने किया था पोस्ट, बड़ी खबर आपको दे रही है। और इस बीच बीजेपी ने राहुल के पोस्ट को हटाने की मांग की है। राहुल ने जो पोस्ट किया था उसे हटाने की मांग की है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से राहुल गांधी की शिकायत की है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर यह आपत्ति व्यक्त की गई है। गारंटियां जो है वो लिखी गई थी उनके पोस्ट में, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, और उससे साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और उस पोस्ट को हटाने की मांग जो है वो की गई है। तो बीजेपी पूरी तरीके से पल्लवी नजर रखी हुई है, किसी भी तरीके की पोस्ट हो उस पर नजर रखी गई है, और कोई भी चूक ना हो जाए, किसी भी तरीके का कोई पोस्ट बीजेपी से ना हट जाए, पूरी टीम जो है वो लगातार तैनात है। और इसी तरीके से कांग्रेस भी हर चीज पर नजर बनाए हुए है, मतदाताओं से लेकर पोस्ट तक उसकी पूरी टीम लगी हुई है। और इसी बीच ये राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया और इस पर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और इससे पहले भी बीजेपी ने ममता बूथ कैप्चरिंग की शिकायत पत्र लिख करके इसी से की, और उन्होंने कहा कि फोर्स जो है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि ऐसी संभावनाएं हैं कि बूथ कैप्चरिंग जो है वो हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल अब तक पहुंचा रहे। मतदान पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में उन्होंने जो चुनावी वादे किए गए थे उनके कांग्रेस की तरफ से, उसका उस पोस्ट में जिक्र किया गया था, ऐसी जानकारी है। जैसे ही ये पोस्ट राहुल गांधी ने किया, बीजेपी की नजर में ये पोस्ट आया, बीजेपी ने जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद इसकी शिकायत इसी से की, और ये कहा है इलेक्शन कमीशन से कि ये आचार संहिता का राहुल गांधी ने उल्लंघन किया है, इस वजह से राहुल गांधी को ये चाहिए कि तुरंत ये पोस्ट हटा दे। ज्यादा जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारे संवाददाता पवन गौड़ जुड़ चुके हैं। पवन, पूरे मामले को लेकर के फिलहाल की क्या अपडेट है ये बताइएगा, इसी से शिकायत कर दी है बीजेपी ने? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश ममता हम करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी ने घेर लिया है उन्हें। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी पोस्ट हटाएं। बिल्कुल, और बीजेपी ने राहुल गांधी से पोस्ट के पोस्ट को हटाने की मांग इलेक्शन कमीशन से की है। देखिए, किसी भी तरीके की ऐसी पोस्ट कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है अगर वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। पवन गौड़ संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ है। पवन, जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी की तरफ से एक पोस्ट किया गया और जिस पर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है, क्या लिखा था उसमें और क्या भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत में लिखा है? देखिए, जिस तरह से एक जो चुनाव आयोग की आचार जो गाइडलाइंस होती है उसके मुताबिक 48 घंटे का एक साइलेंस जोन होता है जिसमें आप किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर सकते, चाहे वो टीवी की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, या जगह जगह जाकर रैलियां कैंपेनिंग करने की बात हो। तो उसको लेकर बीजेपी ने एक जो चुनाव आयोग से शिकायत की है कि राहुल गांधी ने आज सुबह एक ट्वीट किया था, उसमें ये लिखा गया है कि आप राजस्थान बनेगा मुफ्त इलाज और राजस्थान को लेकर तमाम जो कांग्रेस की गारंटियां हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से वापस लेके आइए। तो ये पोस्ट राहुल गांधी ने किसी, इसको लेकर बीजेपी ने अपना ऑब्जेक्शन जताया है और उस चुनाव आयोग के पास बीजेपी गई है और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो ट्विटर जो है वहां से इस पोस्ट को आप ब्लॉक करवाइए, उसके साथ साथ जिस कार्रवाई जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है इस पर भी चुनाव आयोग को अपना संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। तो बीजेपी ने राहुल गांधी के जो ट्वीट किया उन्होंने किया है उसको लेकर ऑब्जेक्शन जताया और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। पोस्ट क्या अभी भी है या डिलीट कर दिया गया है, इस पर क्या जानकारी? देखिए, अभी तक ये जो राहुल गांधी की पोस्ट है वो अभी तक मौजूद है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है, कोई बात अगर सामने अभी उनका कोई जो उनका जो फैसला है उनको भी सामने नहीं आया है। तो अभी तक जो पोस्ट है वो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, लेकिन अब लगता है क्योंकि अभी राजस्थान में मतदान भी चल रहा है तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से जल्दी ही कोई भी दिशा निर्देश या गाइडलाइंस आने वाली है। समय क्या है, किस वक्त किया गया था राहुल गांधी की तरफ से ये पोस्ट?
देखिए राहुल गांधी द्वारा ये पोस्ट जो है आज सुबह ही किया गया था, जिस तरह जब मतदान शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने तमाम जो राजस्थान के लोग हैं उनसे मतदान की अपील की थी, और उन्होंने कहा था तमाम जो कांग्रेस सरकार की गारंटियां हैं उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि कांग्रेस को आप फिर से राजस्थान में वापस लेके आइए, तो इसको लेकर बीजेपी ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। लेकिन पवन, जब पता है